दोस्तों 5 मई को थिएटर में केरला स्टोरी के साथ साथ एक और केरला की ही मूवी केरला स्टोरी 2018 रिलीज की गई थी। दोनों ही मूवी ट्रू इवेंट पे बेस्ड है और दोनों केरला से ही रिलेटेड है और दोनों में कहीं ना कहीं केरला की सच्चाई ही दिखाई गई है। जहां एक मूवी का ज्यादा चर्चा होने के कारण वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई तो वहीं दूसरे मूवी को उतना ज्यादा रीच नहीं मिल पाया। अब केरला स्टोरी 2018 को देखकर आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाओगे। जहां एक मूवी में दो कम्युनिटी के बीच में नफरतें दिखाई गई है तो वहीं केरला स्टोरी 2018 में दिखाया गया है कि कैसे मुसीबत पड़ने पर लोग अपने कम्युनिटी से हटकर ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करते हैं और कैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। इस मूवी को देखने के बाद आप सच में अंदर से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड फील करोगे और बहुत ही ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। इसमें जो प्लॉट दिखाई गई है कैसे कैसे 2018 में केरला में फ्लड आया था और क्या सिचुएशन था और कैसे लोगों ने एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे तक खाना पहुंचाया, एक दूसरे तक दवाइयां पहुंचाई, वो सारा इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी को देखने के बाद आप उस सिचुएशन को फील कर पाओगे और आपको लगेगा कि हाँ, अगर आपने भी पहले कभी फ्लड वगैरह देखा होगा या आप उस सिचुएशन से गुजरे होंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बिल्कुल ही सच्चाई दिखा जा रही है। ज्यादातर इस मूवी को देखने वाले इमोशनल हो जा रहे हैं। और रही बात मलयालम फिल्मों की, तो मलयालम फिल्में वो फिल्में हैं जो एक बार रिलीज होने के बाद उसके पता नहीं कितने सारे रीमेक बना दिए जाते हैं सिर्फ साउथ के इन डिफरेंट लैंग्वेज में। इसकी बजट भी उतनी नहीं है, इसकी बजट 20 से 25 करोड़ रखी गई है, जिसमें ये शायद सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है। जहां इसकी स्टोरी लाइन की बात की जाए तो स्टोरी लाइन इसकी काफी ज्यादा सही है और कहीं ना कहीं जब आप इसके इंटरवल के पहले वाले पार्ट को देखेंगे तो उसके सारे डायलॉग इंटरवल के नेक्स्ट वाले पार्ट से रिलेटेड होंगे। जहां आपको दिखाया जाएगा कि एक मछुआरा को फर्स्ट प्लॉट में अपमान किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वही मछुआरा सारे की मदद करते हुए दिखेगा। कहीं ना कहीं हमें ऐसी फिल्मों को प्रमोट भी करना चाहिए क्योंकि यही फिल्में हमारे देश में ह्यूमैनिटी को बचा सकती हैं। और जहां देश में इतना नफरत फैल रहा है तो ऐसे फिल्मों से ही कहीं ना कहीं इन नफरतों पर कंट्रोल किया जा सकता है, तो हमें ऐसी फिल्मों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। रही बात इसके कलेक्शन की, तो यह मूवी सिर्फ मलयालम में ही रिलीज की गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको इसका इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना पड़ेगा और कमाई के तो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ ही देगी। और इसका बजट भी मात्र 20 से 25 करोड़ रखा गया है और उतने बजट में इतना बड़ा फिल्म बनाना, आप जब इसके VFX को देखोगे तो आप इसमें कमी नहीं निकाल पाओगे। तो कहीं ना कहीं इसका काम बहुत ज्यादा सराहनीय है, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इसको एक अच्छे लेवल पर देखना डिजर्व करते हैं। तो आपका इस पे क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।